हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी काउंसलिंग। आपके लिए खुशखबरी लाया है ये वीडियो, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें साइड में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मेंटेनेंस हो रहा था। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही स्टार्ट होगा आपके पास ये वीडियो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, तो चलते हैं इसके बारे में पूरी बात करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के होम पेज पर। सो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले एक मैंने वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने आपको बताया कि था कि ये साइट पर मेंटेनेंस चल रहा है, और इस बारे में उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से मेरी बात हुई है कि जैसे ही मेंटेनेंस का काम हो जाएगा तुरंत आपका लॉग प्रेफरेंस का ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के होम पेज पर और जानते हैं काउंसलिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के होम पेज पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक नया नोटिफिकेशन आपके लिए लॉन्च हुआ है। इससे पहले ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो ये नया नोटिफिकेशन अभी थोड़ी देर पहले अपलोड हुआ है, जिसका जिक्र मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी किया था। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इस पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऑनलाइन पाठ्यक्रम परीक्षा चयन ब्लॉक के संदर्भ में सूचना, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए थोड़ा नीचे करके स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आप जब आप आएंगे तो आपको सामने ये देखिए लॉग प्रेफरेंस का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, ये देखिए लॉग प्रेफरेंस का नया ऑप्शन जुड़ा है। इसमें चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और जानते हैं कि अब इसमें ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपकी यूज़र आईडी यानी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की आईडी एंड पासवर्ड के माध्यम से ही आपकी काउंसलिंग होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पर डालना है। अगर आप भूल गए हैं तो नीचे फॉरगेट उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी आईडी एंड पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके आप रीसेट भी अपनी कर सकते हैं आईडी एंड पासवर्ड। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन आईडी डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है, उसके बाद क्लिक करना है तो आपका होम पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ आपको कि आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जहाँ पर EWS का आ रहा था कि आप अगर EWS का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके अपना EWS का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, वहीं पर आपका लॉग प्रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स। तो आप लॉग प्रेफरेंस के ऑप्शन क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपके लिए नया नोटिफिकेशन आया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे आपको ऑनलाइन लॉक करना है, पूरा मैंने PDF बना के डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर PDF है, उसको पूरा पढ़िए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और इसमें ऑनलाइन प्रेफरेंस लॉक कैसे किया जाएगा लॉगिन करके आईडी एंड पासवर्ड डाल के, तो इसके लिए आपका वीडियो तुरंत आने ही वाला है। तो फ्रेंड्स, वेट कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।